हे गाइस, वेलकम बैक टू 06 स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के टॉपिक में करने वाले हैं आपके इंडियन ज्योग्राफी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये जो आप इस वक्त स्क्रीन पर पीडीएफ देख रहे हो, इस पीडीएफ में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ऑल ओवर द इंडिया, जितने भी आपके अभी तक एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए हैं। ठीक है, ऑल ओवर द इंडिया आपके CHSL से लेके आपके IAS तक, UPSC, CDS, DRDO, DDA, DSSSP, UPSSSC, ठीक है, HSSC, कोई भी एग्ज़ाम, जितने भी ऑल ओवर द इंडिया एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, उन सभी में जो आपके ज्योग्राफी के आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बार बार आते हैं और आए हुए क्वेश्चंस हैं, इस पीडीएफ में आपको वो सभी क्वेश्चंस का कलेक्शन मिलेगा और ये आपके कुछ 1200+ क्वेश्चंस हैं। तो हम चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट हैज स्मॉलेस्ट लैंड एरिया। ऐसी कौन सी स्टेट है जिसका सबसे कम लैंड एरिया है, जिसका सबसे कम जमीनी हिस्सा है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, गोवा। नेक्स्ट है आपका, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मेनली ट्रॉपिकल बिकॉज। इंडिया का क्लाइमेट ट्रॉपिकल किस लिए है, इसका मेन रीजन क्या है? करेक्ट आंसर आपका ऑफ द लोकेशन ऑफ द हिमालयस इन इट्स नॉर्थ ईस्ट। द टू वॉल्केनिक आइलैंड इन द इंडियन टेरिटरी आर। इंडियन टेरिटरी के अंदर ऐसे कौन से दो वॉल्केनिक आइलैंड हैं? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, एंड दैट इज नारकोंडम और बैरन। नेक्स्ट है आपका, अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया विच वन हैज द लार्जेस्ट साइज। ठीक है, जो भी आपकी यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज दी गई हैं इंडिया की, उनमें से सबसे बड़ा साइज किसका है? करेक्ट आंसर है आपका पौंडीचेरी का। आप देख सकते हो सभी क्वेश्चन के बाद CDS लिखा हुआ है या फिर कोई ना कोई एक डिपार्टमेंट या एग्जाम का नाम लिखा हुआ है जो कि आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है, रेडक्लिफ लाइन, इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडियन पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पे रेड क्लिफ लाइन है। और नेक्स्ट है आपका, डंकन पासेज इज सिचुएटेड बिटवीन। डंकन एक पासेज या डंकन पासेज सिचुएटेड है किसके बीच में? ऑप्शन डी, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। नेक्स्ट है आपका, 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। नेक्स्ट है आपका, इफ द रूल यूजुअल रूल of calculation of time were applied of the extremes of Gujarat and Arunachal Pradesh, then approximately time, option D is correct, and that is at Arunachal Pradesh would be ahead of Gujarat at 12 by about 2 hours. ठीक है, इतने hard questions नहीं आएंगे आपके, so don't worry. Indian standard meridian passes through the state of UP and MP, option D, and that is Odisha and Andhra Pradesh. Next आपका, the Lakshadweep island आर सिचुएटेड इन, ये भी आपका बैंक पीओ 2007 में आया हुआ है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वन लाइनर छोटे छोटे, इसका करेक्ट आंसर है आपका अरेबियन सी। नेक्स्ट है आपका, विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड। कौन सी कंट्री आपकी सबसे क्लोजेस्ट है अंडमान आइलैंड के? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, एंड दैट इज म्यांमार। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स बाउंड्री विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। सो ऐसी कौन सी स्टेट्स हैं जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बाउंड्रीज को शेयर करती हैं अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया के साथ? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, एंड दैट इज महाराष्ट्र। नेक्स्ट है आपका, झारखंड डज नॉट शेयर बाउंड्री विद। झारखंड किसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता इन चार ऑप्शन में से? करेक्ट आंसर है आपका मध्य प्रदेश। बाकी वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के साथ वो अपनी बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट है आपका, Which of the following is the east of the Andaman Nicobar Island? Correct answer है आपका Indonesia. Next है, the states which have common borders with China are. ठीक है, option D is correct. 1, 2, 3, 4. That means all of them are correct. Next है, the states of India having common border with Myanmar are. Option A, Mizoram, Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh. Next question है, The state with the largest area under wasteland is option C, and that is Jammu and Kashmir. Next है, the largest population of scheduled tribes is in option B, and that is Madhya Pradesh. जो scheduled tribes के जो सबसे ज़्यादा population है वो आपकी मध्य प्रदेश में है. The Himalayan mountain system belongs to which one of the following? ठीक है, The Himalayan mountain system belongs to which one of the following? Option A is correct, that is Fold Mountains. Next आपका, the oldest mountain in India according to geographical history are, and that is option D, then that is Aravallis.
ठीक है, द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी के हिस्ट्री के अकॉर्डिंग सबसे पुराने पर्वत कहाँ पर हैं और क्या नाम है उनका, उसका नाम है अरावलीज। ठीक है गाइस, आज के वीडियो में 20 क्वेश्चंस ही रखते हैं हम, 20-20 क्वेश्चंस करके जो भी आपके करते रहेंगे, और ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस पीडीएफ को आप खुद से डाउनलोड करके भी एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप मेरी वीडियो से ही पढ़ो, मेरा मोटिव व्यूज पाना नहीं, मेरा मोटिव है आपको क्या करना, स्टडी मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी क्वालिटी में प्रोवाइड करना। तो ठीक है, इस वीडियो के नीचे आपको इस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाओगे, खुद से जब मन चाहे तब पढ़ सकते हो, जितना मन चाहे उतना पढ़ सकते हो। वीडियोज आपकी एवरीडे टाइम पर आ जाएंगी, करंट अफेयर्स भी, जनरल अवेयरनेस भी, और आपकी रीजनिंग भी। 8 बजे आपकी रीजनिंग आती है, तो 8 बजे मिलते हैं। ठीक है, विद दैट सेड, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक आपने नहीं किया है। बाय बाय गाइज़।